का बौद्धिक जी के तत्व के संबंध में बतलाया। हम लोग पहले ये सब कथाओं का बौद्धिक तत्व का पहले हम लोग विवेचन किया है, जब यहाँ आते थे तब ये सब वर्णन होता था। इन्होंने प्राय सभी बलदेव जी के विषयों को पहलुओं को इन्होंने स्पर्श कर दिया है। दो चार मैं कुछ बदलाव बोलूंगा। कृष्ण सच्चिदानंद तत्व है। सच्चिदानंद सत ची और आनंद से, किंतु जब इसको पृथक पृथक किया जाएगा तो कृष्ण पूर्ण अखंड चित स्वरूप है और राजनी शक्ति राधिका जी आनंद स्वरूप और बलदेव प्रभु जी हैं सत सत माने सत्ता। ये तीन मिलकर के कृष्ण है, किंतु कृष्ण अकेले ही दिखाई देते हैं, किंतु उनमें राधा जी भी हैं और बलदेव जी भी हैं और स्वयं तो वो कृष्ण है। इन तीनों के दोनों के बिना कृष्ण की सत्ता नहीं रह सकती, इसलिए कृष्ण की सत्ता उनकी बंसी उनके आसन बसन भूषण जो कुछ है उनके लीलाओं की जो पृष्ठभूमि है सब कुछ बलदेव प्रभु की। विशेष करके बलदेव प्रभु जी अभी जो उन्होंने बतलाया, कृष्ण रो तो रहे हैं, बलदेव जी कहते हैं कि चलो वृंदावन में, किंतु फिर भी नहीं आते हैं, इसके भी बहुत से कारण हैं। बलदेव जी सभी कोशिश में आए और जैसा कि उन्होंने वर्णन किया गोपियों से भी मिले, यही नहीं उनको संतोष देने के लिए उनका दुख दर्द भुलाने के लिए उन्होंने रास किया। वही दाऊ जी में रास राम घाट पर रास किया। कोई कोई कहते हैं कि वो बलदेव प्रभु की ही प्रेयसिया थी, उनके साथ में ही उन्होंने रास किया, किंतु यह नहीं बोलना चाहिए कि अपराधिक धाम करो वृंदावन में या यहां पर भी भौम वृंदावन में उनके खिलाए। कृष्ण की कृष्ण बलदेव प्रभु जो लीला किया वहां पर सभी प्रकार की गोपियां थी, सभी थी, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं होता। जब सत्व में अस्पराव ही संबंध में कोई दोष नहीं होता तो अपराधिक वृंदावन में क्या दोष होता है। हम लोग समझते हैं कि रास एक गंदी लीला है। रस माने क्या? रस के द्वारा गोपियों को बुलाना चाहते हैं, सांत्वना देना चाहते हैं। रस माने साथ में नृत्य करना, गान करना, इसके अतिरिक्त और कुछ मत समझो। बलदेव प्रभु जी ने उनको बुलाने के लिए उनके साथ में नृत्य किया और बलदेव प्रभु जी कैसा संगीत जानते हैं जैसा कि कृष्ण संगीत जानते हैं। दोनों भाई राधा गोवर्धन में होली के उत्सव पर कृष्ण और बलदेव दोनों ऐसे स्वर से गा रहे हैं कि सभी लोग मुग्ध हो गए और दोनों के सामने ही वहीं पर गोपियां भी थी।
इसलिए बलदेव प्रभु जी ने निर्वास किया गोपियों को बुलाने के लिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसमें समस्त प्रकार की गोपियां भी रह सकती हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं। विशेष करके जब रास कर रहे थे तो यमुना की कोस पर बुला रहे गोपियों को प्यास लगी, होने पर वो नहीं आई। मैं आई कहा और मुसल से उसको ख्याल चुकी गया। यमुना जी भी दो हैं, एक तो समुद्र जिनके पति हैं और दूसरी है विशाखा तो कृष्ण की। उन्होंने विशाखा जी को नहीं खींचा, उन्होंने जो समुद्र में मिलती हैं जिनके पति समुद्र हैं उनको खींचा। इसलिए इसमें भी दोष नहीं। विशेष करके और एक चीज दिख रहा है, द्रुवित बंदर को उन्होंने मारा। द्रुवित रामचंद्र जी का भक्त था और रावण के युद्ध में ये इन्होंने युद्ध किया था राम के लिए, किंतु लक्ष्मण जी के प्रति इनकी दुर्भावना थी, निंदा किया था। जब कृष्ण लीला आई राम लीला के बाद तो ये कृष्ण के प्रति तो इनकी भक्ति थी, किंतु बलदेव जी के प्रति पूर्व जन्म के संस्कार वजह से ये भी बनी रही देवी। और उन्होंने बलदेव जी से अश्लील भावों को दिखलाया, गोपियों के कपड़े नोच डाले। तब बलदेव जी ने मुसल से उसको खींचा फल से और मुसल से उसे मारा। तात्पर्य क्या है, भगवान का भजन करने पर भी यदि उनके भक्तों की कोई निंदा करता है बलदेव जी नहीं सहता। इसलिए भगवान को मानते हैं और बलदेव जी को नहीं मानते हैं, ये अर्थ कुटी की भाग है। इसलिए हम लोगों को इसी प्रकार से रहने चाहिए, भगवान का भजन करते हैं किंतु भक्तों के प्रति निंदनीय व्यापार करते हैं, ये ठीक उचित नहीं है। ये एक समय में घूमते 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 नैमिषारण्य में गए और वहां पर कथा हो रही थी। वहां पर लोमहर्षण सूत्र वही भागवत की कथा करने बैठे थे और सौनक इत्यादि उनसे भी श्रेष्ठ महापुरुष लोग वहां पर हरि कथा सुन रहे थे। बलदेव जी आए, सभी उठ करके उनका स्वागत किया, किंतु ये दुर्बुद्धि उठा नहीं, मैं भागवत का वक्ता हूं आचार्य हूं और मैं कैसे उठूं। उस समय बलदेव प्रभु जी देखा जी ये तो पाठक नहीं है, ये तो महादांभिक है, दांभिक व्यक्ति को भागवत का पाठ प्रवचन नहीं करना चाहिए। इसलिए हाथ से ऐसे किया और उसका सीट अलग हो। अब तो सौनक इत्यादि ऋषि बोले अरे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, ये हमको तो हरि कथा सुना है, ओ तो मैं इसको जीवित कर दूं। उन्हें अब तो जो कुछ हो गया आप ऐसी कोई बात कीजिए कृपा करके कि हम लोग को ये हरि कथा सुनने के लिए मिले। उन्होंने उसके छोटे बेटे को बैठा दिया और शक्ति संचार कर उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी और तब कहा कि तुम आज से इन लोगों को कथा सुना। यही कौन है, उपग्रह सभा और यही परीक्षित की सभा में यही थे और सुखदेव गोस्वामी से इन्होंने भागवत कथा सुनी। तो
यदि कोई दांभिक व्यक्ति हो, आचार्य का अभिमान हो और गुरु और वैष्णव श्रेष्ठ लोग आते हैं उसका सम्मान ना करे, तो बलदेव जी ऐसे ही दंड। इसलिए कभी भी ऐसा भाव न हो। इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है, वैष्णव का आचार उत्तम वैष्णव से कैसा व्यवहार, मध्यम वैष्णव से कैसा व्यवहार, प्रनिष्ठ से कैसा, ये सब को ठीक रख करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से अभी रामचंद्र जी की लीला ने बहुत सुंदर सरस वर्णन किया लक्ष्मण जी के संबंध में। केवल उसी लीला में ही नहीं, बलदेव प्रभु जी खेती करते हैं। क्या खेती करते हैं? बलदेव के रूप में वृंदावन में है, वहां पर कृष्ण की लीला की उपयोगिता के लिए सारे मुक्ति मुक्त प्राप्त कृष्ण के परिकर जो है उनको सबको वही प्रकट करते हैं, या प्रकट के रूप में वही है। और द्वारका में उनका चतुर्व्यूह है, मथुरा में भी चतुर्व्यूह नहीं है, वे द्वारका में। और वहां पर अनंत कोटि मुक्त जीवों को प्रकट करते हैं जो कि कृष्ण की सेवा ऐश्वर्य भाव से, माधुर्य भाव से वृंदावन में करा और यहां पर ऐश्वर्य भाव से, और फिर वही उन्हीं का प्रकाश वैकुंठ में नारायण के निकट में संकर्षण महासंकर्षण, वो मूल संकर्षण ये महासंकर्षण। महासंकर्षण परब्रह्म में वैकुंठ में राम इत्यादि है, निसिंह देव जी है और भगवत तत्व अवतार है, वहां पर उनके परिकर के रूप में नित्य मुक्तों को भी प्रकट करते हैं। और कर्णाधिशाही विष्णु के यहां वही उन्हीं के दृष्टि से सारे बद्ध जीव लोग वहीं से कोई तटस्थ होने पर कोई भगवान की तरफ में देखते हैं, वैकुंठ की तरफ में, वो वैकुंठ में चले गए। और जो जिन्होंने माया की तरफ में देखा वो माया की तरफ जाए, इस तरह से बलदेव जी उनको प्रकट किया। और शेष के रूप में एक और रूप है, और वो क्या करते हैं, उन्हीं पर शेष कर्णाधिशाही विष्णु बैठते हैं या गर्भोधिशाही शयन करते हैं, गुरु शयन करते हैं और उनकी सब समय सेवा करते हैं। इस प्रकार से इन पांच रूपों में बलदेव प्रभु जी सेवा करते हैं। हल और मुसल बतलाया, खेती तो करते हैं, मुसल किस लिए, पाषंडियों का दमन करते हैं, इसलिए बलदेव प्रभु जी की आज की आविर्भाव तिथि है। संक्षेप में बहुत सुंदर और सरस उसने बलदेव जी के तत्वों का वर्णन किया गया। बलदेव जी प्रभु जी हम पर और आप सभी पर कृपा करें जो कृष्ण तत्व में भक्ति में हम लोगों का प्रवेश, यही प्रार्थना करके आज का वक्तव्य समाप्त करता गौ प्रेमानंद प्रभु जी। और मैं गोवर्धन में जाऊंगा, कुछ लिखूंगा पढ़ूंगा, तुम भी एक दिन आना होगा, दो दिन के बाद में गए थे बाद में जो जो जाएंगे उसका ये नाम स्पष्ट आज चंद्र ग्रहण भी है, 2 बजे से 5 बजे तक, 5 बजकर